कहाँ पर है आज आपका बच्चा? मेरा बच्चा यूक्रेन के खार्किव सिटी में है, वहाँ पे MBBS फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है। तो किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्या लगता है आपको? नहीं, डर तो लगता ही है जब वहाँ पे वार वाली सिचुएशन है, बॉम्ब्स वगैरह गिर रहे हैं, तो परेशानी तो होती है, चिंता तो होनी स्वाभाविक ही है। हालांकि उसको 26 की उसकी फ़्लाइट थी, अब सब फ्लाइट वगैरह भी कैंसिल हो गई, तो टेंशन तो है ही है घर में। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? दुखी महसूस कर रहे हैं, चिंता हो रही है उसकी, जल्दी से जल्दी आ जाए बच्चा। प्रार्थना कर रहे हैं वहाँ रहे, ठीक ठाक ही रहे, कोई प्रॉब्लम ना। आज आपने हवन भी किया है उसको लेकर? जी हाँ, वो तो हम लोग वैसे भी रोज़ करते ही हैं, डेली का है, प्रार्थना रोज ही कर रहे हैं जब से ये संकट आया हुआ कि भाई बच्चा शीघ्र ही शीघ्र घर आ जाए, जितना जल्दी उसे। बच्चे होंगे, जैसे कि आप एक माँ हैं, अपने बच्चों को फंसा हुआ देख रही हैं जी, क्या लगता है किस तरह की अपील करना चाहिए? भाई हम तो यही अपील करेंगे, जैसे जल्दी जल्दी शांति हो, एयरलिफ्ट करें बच्चों को किसी तरह, सब बच्चों को वहाँ 20,000 बच्चे फंसे हैं, तो सबके माँ बाप परेशानी है, तो अपना जितना जल्दी हो सके एयर सिस्टम शुरू हो और फिर बच्चे आए। जिस तरीके से लगता है कि आपने बच्चों को अपने इतने दूर पढ़ने के लिए भेजा, शिक्षा के लिए, आज इस तरह के हालात बन चुके हैं, क्या ऐसा सोच रहेगी कि आगे हम बच्चों को बाहर पढ़ने भेजें? ऐसा रहेगा तो मुश्किल होगा, कोई नहीं भेजेगा, कोई माँ बाप नहीं भेजेगा अपने बच्चों को घर से दूर। भाई मजबूरी में इंसान भेजता ही है कि बच्चे की बेहतरी के लिए, अच्छा शिक्षा संस्कार के लिए, लेकिन अगर दूसरी कंट्री में इस तरह से वार हो जाए तो माँ बाप के लिए तो बहुत मुश्किल है, बच्चे के लिए भी मुश्किल है, अकेले वहाँ उसको अपने आप को संभालना इस स्थिति में। क्या नाम था बेटे का? बेटे का नाम ऋत्विक वार्ष्णेय। कितनी उम्र है? 22 साल। कितने समय से हैं? 4 साल हो गए, उसका फोर्थ ईयर कंप्लीट होने वाला था। मैं डॉक्टर विश्वमित्र आर्य। किस तरीके से आपका बेटा वापस होगा, कहाँ, कैसे, क्या? मेरा बेटा जो है इस समय यूक्रेन के खार्किव डिस्ट्रिक्ट में है, और उसको लगभग 4 साल हो गए यहाँ से गए, फोर्थ ईयर में है, और इस समय का जो माहौल है उसको देखते हुए थोड़ा टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। 4 साल में इतनी टेंशन कभी नहीं हुई जितनी इस बार हो रही है। फ़्लाइटें जो है रूस के अटैक के बाद से, फ़्लाइट भी उसको 26 तारीख को उसकी फ़्लाइट थी, लेकिन रूस के अटैक के कारण एयर वहाँ सारा ट्रैफिक बंद हो गया, फ़्लाइट भी नहीं आ रही है। चिंता वाली बात ही है इस समय, तो हम बहुत चिंतित हैं सारा कि किस तरह से बच्चा घर आ जाए, बस यही चाहते हैं इस समय। मैंने अभी PMO में भी और एम्बेसी में भी लगातार संपर्क में हूँ, लेकिन अभी पूरी तरह से आश्वासन नहीं मिला है। और सरकार ने कुछ फ़्लाइट चलाई थी, लेकिन एक दो फ़्लाइट आ भी गई, उसमें उसका नंबर नहीं आया। जिस फ़्लाइट में आया वो 26 को आनी थी, लेकिन आज के माहौल को देखते हुए वो फ़्लाइट भी वापस हो गई। किस तरीके महसूस कर रहे हैं आज अपने बच्चे के? परेशान है इस समय हम लोग, कैसे भी बच्चा बाहर वापस आ जाए, बस यही चाहते हैं। सरकार से किस तरीके की मदद की बात है? सरकार से हम ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी उनको एज इट इज़ जैसी भी स्थिति है उसको एयरलिफ्ट कराया जाए, क्योंकि उनकी फ़्लाइट जो बुक्ड फ़्लाइट है वो 26 की है, और इस समय माहौल वहाँ इतना टेंस हो रहा है कि उससे देखते हुए लगता है कि वो बहुत जल्दी एयरलिफ्ट करें हमारे बच्चे को। हम ये चाहते हैं, अलीगढ़ के बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ, और भी बच्चे, टोटल इंडिया के लगभग 15,000 से 20,000 बच्चे हैं वहाँ पर, जिसमें कि एक फ़्लाइट में मात्र 200 से 250 बच्चे ही आ पाते हैं। अलीगढ़ में कितने बच्चे होंगे? अलीगढ़ के समय करीब 3 दर्जन बच्चे होंगे।